हेलो प्लेयर्स, तो आप सब लोगों को फिर से स्वागत है डे ऑफ गेम्स का आर्क मोबाइल का एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में मैंने टीम किया था ये रैप्टर, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वैसे जगह चेक कर लो। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और मैंने इसका नाम देने के लिए बोला लेकिन आप लोगों ने तो एक भी नाम नहीं दिया, तो मैंने इसका नाम सोचा रैप ही रख दूँ। ये नाम कैसा लगा तो वो कमेंट पे बताना। और इचियो सर का नाम इची रखने के लिए बोला था नेक्स्ट गेम ने, तो इसका नाम इची रख देते हैं। हाँ बस क्या कहते हैं इसका नाम, नाम का बस शॉर्ट फॉर्म रख दिया। वैसे मुझे उतना खास नाम के बारे में मतलब बहुत कमज़ोर हूँ नाम के बारे में मैं। आप लोग को अच्छे खासे नाम बताते रहना। तो आज इसका लेवल बढ़ाना, स्टोरेज बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि स्टोरेज ही चाहिए अपने को, इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है। बाकी बाद में मैं गॉड कंसोल से इसका लेवल बढ़ाऊँगा वीडियो के आखिर में अगर टाइम मिला तो। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे एक 3 दिनों अटका हुआ था, तो आज मैं सोच रहा हूँ उसे ही टेम करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्मिथी बना लेता हूँ और मेटल का सामान क्रॉसबो और एक्स बनाना है। पिकैक्स तो है हमारे पास, तो उसे अनलॉक नहीं किया मैंने शायद अभी तक, या अनलॉक कर लेते हैं। स्मिथी के मिल गया। और मैं स्टोन का भी सामान चाहिए ना, या स्टोन का सामान भी तो चाहिए, स्टोन का भी सामान अनलॉक कर लेते। शायद मेरा लेवल पहुंच चुका है होगा या पहुंच गए, स्टोन का भी सामान अनलॉक कर लेते। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वॉल नहीं चाहिए, डोर फ्रेम हो गया, वॉल भी अनलॉक होगा चलो। और फाउंडेशन, बाकी तो क्या कहते हैं उसे, रैम्प, तो बस रैम्प, रैम्प रैम्प तो उठ का ही लगेगा। बाकी या मेटल का सामान भी तो अनलॉक करना है, क्रॉसबो वगैरह अनलॉक करना है। ओके एरा क्रॉसबो और एक्स 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 एरा एक्स। पिकेक्स मेरे पास फ़िलहाल है तो फ़िलहाल अनलॉक नहीं करूँगा, उसे ही रिपेयर करके यूज़ कर लेंगे। वैसे रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि मुझे देखो नॉर्मली कलेक्ट करना की ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो स्मृति बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? ओके आई होप कि सारा सामान है आपके पास, क्योंकि थोड़ा बहुत कलेक्ट करके रखा था, कलेक्ट मतलब बाहर से गॉड कंसोल से लेके रखा था। तो ले लेता हूँ मैं फटाफट सब मेटल, सारे सामान ले ही लेता हूँ। मेटल का सामान भी तो बनवाना है और स्टोन का भी सामान बनाना है, तो फटाफट लेके। ओके बन गया चलो। एक काम करता हूँ, इसे मैं पहले प्लेस कर दूँ, नहीं नहीं मेटल के लिए थैच चाहिए ना। ओके मेटल के लिए गया था, स्टोन फाउंडेशन के लिए चार बन रहा है, मुझे चार ही चाहिए। डोर फ्रेम कितना बन रहा है? एक बन रहा है, तो फिलहाल डोर फ्रेम मैं नहीं बनाऊँगा। तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट स्मिथी को प्लेस कर देते हैं, बनने दो इसको, मैं स्मिथी को प्लेस कर देता हूँ फटाफट। स्मिथी को मैंने हॉट बार में सेट कर लिया, अब फटाफट प्लेस कर देते इस बेड के पास ही प्लेस करते या यहीं पे प्लेस कर देते। ओके अब नीचे क्यों जा रहे हैं भाई, ऊपर ही रहे ना। ओके परफेक्ट जगह। बाकी मेटल का दो चीज़ है, मेटल में सारा ही डाल देता हूँ, यहाँ सारा मेटल डालते भाई, सारा मेटल क्या सब कुछ डाल दो ना एक बारे में, एक बार में। अब और क्या चाहिए इसको, हाइट भी चाहिए, फाइबर चाहिएगा, तो फाइबर अपने पास है, स्टोन भी दे ही देता हूँ फाइबर। इसको बनने देते तब तक मैं फाइबर ले लेता हूँ यहाँ से, बहुत फाइबर है, फाइबर की कमी तो होगा नहीं। और अब क्या कहते हैं 3 दिनों टेम करने वाला हूँ, तो फाइबर और कैरेट तो आराम से मिल जाएंगे। बहुत टाइम लग रहा है, एक और बना ही लेते, दो बना लेते, अगर कभी ख़राब हो जाए तो भाई दूसरे से काम चल जाएगा, रिपेयर इंस्टेंट रिपेयर करने के टाइम ना मिले तो। एक काम करता हूँ मैं स्टोन का सारा सामान बना लेते, ट्रैप बनाने के लिए जितने भी सामान चाहिए, तो स्टोन मुझे लेना पड़ेगा यहाँ से। तो फटाफट मैं सारा सामान बना लेता हूँ और फिर मिलते हैं जब मैं उसे टेम करने के लिए लिख लूँगा। सारा सामान मैंने बना लिया है और इसमें रख दिया है, देख सकते हो। जो रिसोर्सेज है उनको छोड़ के बाकी सारा सामान मैं लिख के जाने वाला हूँ, क्योंकि सब लगने वाला है और मेरा वेट भी लगते काफ़ी ज़्यादा। या अभी तो भाई फुल हो चुका है और अभी एरोज भी लेना है। खाना मैं बाद में आके लेके जाऊँगा, आज सारे सामान ले लिया ना।
यहाँ सारा ले लिया है यार, बो नहीं चाहिए भला, रखो तो इसे अंदर। क्रॉसबो ले लेता हूँ, बेकार में ही मैंने इतने सारे बो बना लिए। भाई मेरा वेट तो पूरा फुल हो चुका है, तो जाने में तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं फटाफट पहुँचता हूँ उस जगह पे, फिर सोचता हूँ ट्रैप ट्रैप लगा ही दूँ यार। ट्रैप लगा देता है, फिर मिलते हैं। जैसे नॉर्मल सा ट्रैप है, कुछ मुश्किल नहीं है, नॉर्मल ही ट्रैप है। मल्टीप्लेयर में भी शायद आप लोगों ने देखा है ऐसा ही ट्रैप है, कुछ खास नहीं है। तो फटाफट मिलते हैं वहाँ जाके। ओ भाई यहाँ तक पहुँचने में हालत ख़राब हो चुका है, कितने ज़्यादा वेट। अब मुझे लगता है मुझे गॉड कंसोल का मदद लेना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि स्टैक्स एकदम फुल हो जाते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल सा हो जाता है, स्टैमिना वैमिना फूड कुछ कम नहीं होता है, सिर्फ हेल्थ शायद कम होता है अगर कोई किसी ने डैमेज दिया तो। तो एक काम करता हूँ मैं, फटाफट ट्रैप लगा देता है, फिर मिलता हूँ। या बहुत टाइम मतलब वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फटाफट ट्रैप लगा देता हूँ मैं। बस ट्रैप हो ही गया, गया पूरा कंप्लीट, थोड़ा सा ही बाकी है, बस रैंप लगा दूँ तो बस हो जाएगा। तो अब भाई उसका सामने से एकदम सीधे से सामने से कैसे जाऊँ, या वही सोच रहा हूँ, ज़्यादा पास लगा दिया शायद मैंने, या इस साइड से उठा दूँ अगर तो होगा क्या। अबे इसका भी तो, या इसका भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं तो भाई अंदर ही गिर जाऊँगा ना, मैं ऊपर कैसे जाऊँ। शेट, ऊपर कैसे पहुँचूँ, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अबे वो एग्रो हो गया मेरे पे, या एग्रो हो गया, एग्रो हो गया क्या, एग्रो तो हो गया, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचूँ कैसे, यहीं से मारूँ क्या, कोई यहीं से मारते इसे। अबे शेट शेट, मैं ज़्यादा पीछे चला गया भाई, ऊपर आ जा ऊपर आ जा। अबे नहीं, एक ही बार में मेरा सारा कितना हेल्थ कम कर, हेल्थ तो कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ क्योंकि मैं जो बॉडी का है वो तो अच्छा खासा पहना हुआ है, बाकी तो पूरा आर्मर सारा उड़ा दिया, आर्मर नहीं कपड़े कह सकते हो, आर्मर नहीं। तो स्टार्ट कर देते इसे अनकॉन्शियस करना, यहाँ पे आके बस अटका रहे तू। अबे भाई ये तो बहुत चालाक है, घूम घूम के आ रहा है। हाँ ऊपर आ जा ऊपर आ जा। अबे ऊपर भी नहीं आ रहा है भाई, इसको ट्रैप में फंसना ही नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा चालाक है भाई, ये ट्रैप के पास तो आ रहा है लेकिन ट्रैप के अंदर नहीं आ रहा है, बस किसी तरह ट्रैप के अंदर आ जाए भाई। आ जा आ जा आ जा, इधर से आ जा, कहाँ पे है, दिखाई भी नहीं। ओके इस साइड है। अबे भाई सारा गया, सारा हाथ का भी चला गया, अब बस बॉडी का अच्छा खासा आर्मर मिला था भाई, इसलिए भाई अभी तक ज़िंदा हूँ, वरना मैं तो कब का टपक गया होता। ओके चलो सही है भाई, यहीं पे आकर। अबे फिर से नहीं, या भाई ये ट्रैप लगाना एक बार से बेकार हो गया, नहीं बेकार नहीं कह सकते, या ये ट्रैप है इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बच रहा हूँ, बाकी ये शायद ऊपर खड़ा है ना, या इधर आएगा। अबे मैं इस साइड से देखते कहाँ गया, इस साइड ओके यहीं पे मार रहा है। चलो भाई वहीं पे रहना, हिलना मत। ओके हिल नहीं रहा है, मार रहा है, चलो अच्छा है। वैसे ऊँट को डैमेज नहीं दे रहा है क्या, वैसे ऊँट तो ये तोड़ता है, इतने देर में तो टूट जाना चाहिए था रैम, टूट नहीं रहा है, पता नहीं ऊँट का कुछ मतलब, ऊँट का जो फाउंडेशन होते हैं, जो क्या कहते हैं बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें डैमेज नहीं दे पाता है क्या, पता नहीं। ओके अबे भाई ऊपर, ये ऊपर से कैसे आ गया, शायद साइड से ना। ओके आ जा भाई आ जा, अरे भाग रहा है क्या ये, नहीं, आ रहा है ना, या आ रहा है भाई, तो पागल कर देगा, बहुत ज़्यादा चालाक, देयर इज नो सॉरी भाई। आ जा या, हाँ यहीं पे रहे। ओके मारो इसे, अबे निकल गया। हाँ इधर से आ जा आ जा आ जा आ जा, सीधा सीधा आ जा भाई, एकदम सीधा आ जा आ जा आ जा 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 जा। अबे घूम गया भाई, क्या ही चालाक बंदा ये, अंदर आया क्या, नहीं अंदर नहीं है, या तोड़ रहा है। अबे फिर से भाई तू ऊपर से एक बार आ जा भाई, एक बार आ जा ऊपर से प्लीज़। ओ ओके के भाग रहा है क्या, नहीं भाई, ऐसा प्रिटेंड करता है कि भाग रहा है फिर वापस आ जाता है, पता नहीं। ओके अब शायद भाग रहा है, या अब नहीं अभी नहीं भाग रहा है भाई, भाई बचाओ 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 बचाओ, मार दिया। अबे फिर से एक डैमेज दे दिया भाई, कितना मुश्किल हो रहा है, कितना आसानी से हो जाता है, मैं ज़्यादा पास में
ट्रैप लगा दिया इसके वजह से भाई ये सब हो रहा है। ओके ओके फिर से डैमेज दे दिया भाई, कितना माँ कितना हेल्थ कम हो गया मेरा। थोड़ा सा मीट खाओ, मीट खाओ फटाफट। क्या खा गया यहीं पे, चलो यहीं पे रहने दो इसे। पता नहीं इसका टॉर्पोर कितना चला, मैं देख भी नहीं सकता, टाइम ही नहीं उसके लिए। ओके इधर से आ रहा है, आ रहा है। अबे भाई बचा 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 बचा, मर गया मर गया मर गया मैं। ओके कहाँ गया ये। ओके अब शायद भाग रहा है, या भाग रहा है, अब भाग रहा है। रुक रुक भाई, रुक जा भाई, दो तीन और खा के ले, खा ले खा ले खा ले प्लीज़, बस बेहोश हो जा तू, बाकी उसके बाद मैं देख लूँगा। भाई गॉड कंसोल की मदद से मैं दौड़ पा रहा हूँ, वरना भाई ये तो हाथ से गया था। देख सकते हो मेरा स्टैमिना भी कम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के वजह से। ओके का पानी के अंदर है अभी, इसे अनकॉन्शियस नहीं कर सकता, अगर ऑक्सीजन का पंगा हो गया तो भाई मर जाएगा। फिलहाल इतने बेस के पास एक थेरिडिनोसॉर मिला, उसे मैं खोना नहीं चाहता हूँ, तो देखते। भाई खा ले भाई प्लीज़, दो चार से शायद गिर जाएगा ये, बस आराम से खा ले। इसका हेल्थ ओके गिर नहीं 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 ऐसा लगा रहा है कि भाई गिरने वाला है भाई, ये बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता है, ओवर एक्टिंग का दुकान है ये। अटक जा भाई कहीं पे, अटक जा प्लीज़। ओके और कितने डॉट्स लगेंगे इसे, वैसे पीछे मुड़ मुड़ के देख क्यों रहा है बार बार, पता नहीं, देखो ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहा है। ओके एक और, अबे रिलोड कितना स्लो। ओके चलो फाइनली गिर गया। ओ भाई कितना टाइम लग गया इसे। एक काम करता हूँ, तो मिलते हैं इसे खाना देने के टाइम पे, क्योंकि इसका फूड लेवल के होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसका नार्कोटिक जो टॉर्पर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट गिरता है। तो इसे मैं थोड़ी देर भूखा रखता हूँ, और जब मैं खाना देने वाला हूँ तब मिलते हैं। देखो मेरा सारा आर्मर तोड़ दिया इसने, सारा बायोटॉक्सिन नहीं दे देता, तो मिलते हैं जब मैं इसे खाना देने वाला होगा। ओके तो मैं इसे खाना दे दिया, और मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं। इसका फूड लेवल मैंने थोड़ा बहुत कम किया था, क्योंकि इसका टॉर्पर बहुत ज़्यादा फास्ट कम हो रहा था। तो देखो ज़्यादा कम तो हुआ नहीं, पता नहीं कितने बेरीज लगेंगे, ऊपर से मैंने थ्रीएक्स दे दिया इसे। तो एक काम करता हूँ, मिलते हैं जब ये बस स्टेम होने वाला होगा उस टाइम पे। ओके तो ये बस स्टेम होने वाला है, और मैंने इसका शेड्यूल देख रखा है, 69 लेवल पे मिलता है, तो मैं अपना लेवल अप कर लेता हूँ। अब किसका लेवल अप हो रहा है, अबे इसका लेवल अप हो रहा है, हट बे, इसका क्यों लेवल अप कर रहा हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, इसे बस तो टेम होने वाला है, तो इसे लेके मैं अपने पेस पे पहुँचता हूँ फटाफट, और बाहर जाके मैं अपना लेवल अप करके 69 लेवल तक पहुँचना पड़ेगा, फिर जाके मुझे इसका शेड्यूल मिलेगा, वरना तो मैं इसका ऊपर राइड नहीं कर सकता। तो ये बस होने वाला है। ओके तो ये हो चुका है, 62 लेवल का हो गया, चलो सही है। तो मैं फटाफट मिलता हूँ इसे लेके अपने बेस पे, वहाँ पे मेरे लेवल अप करना, लेवल अप वगैरह भी करना है, और सब इसका शेड्यूल भी बना लेता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके तो मैंने अपना लेवल अप कर लिया है, मेरा लेवल 69 हो चुका है, तो फटाफट इसका शेड्यूल अनलॉक करते हैं, एकदम आखिर में मिलेगा इसका शेड्यूल। तो ओके 69 आगे चला गया, ऊपर है ऊपर, एरा थेरिडिनोसॉर का शेड्यूल। तो फटाफट मैं इसका शेड्यूल बना लेता हूँ, इसका शेड्यूल स्मिथी में बनेगा, आई होप कि मेरे पास सारा सामान है, बनना चाहिए, देखते। ओके हाँ सारा सामान है, मैं फटाफट इसका शेड्यूल बना लेता हूँ, और इसे पहन के थोड़ा सा रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए निकलता हूँ। मैंने इसका शेड्यूल पहना दिया, तो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत गाजर कलेक्ट करके लेकर आते हैं, क्योंकि थेरिडिनोसॉर जो है वो अच्छा खासा फाइबर और गाजर कलेक्ट करता है, तो इसके लिए गाजर का कमी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे डोडो केबल बनाना है, और भी उसके लिए काम है, बहुत सारा डोडो एक है अपने पास। अबे फाइबर मिल जा रहा है, गाजर का है वे, अबे गाजर गायब कर दिया क्या, नया अपडेट के साथ बंद कर दिया क्या गाजर कलेक्ट करना, अबे गाजर ही नहीं मिल रहा है, अबे कितने सारे, अबे सेविंग दूरट। ओके मिला थोड़ा बहुत गाजर मिला। ओके तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए जाना ही मत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो गुड बाय।